देशभरमां गैंगस्टर अने टेरर फंडिंग मामले एनआईए द्वारा देशभरमां दरोडा पाड़वामां आव्या छे। मळती माहिती प्रमाणे पंजाब हरियाणा दिल्ली सहित 70 स्थळो पर दरोडानी कामगीरी हाथ धराई छे। एनआईएना सूत्रोना जणाव्या अनुसार 6 गैंगस्टर्सनी पूछपरछ दरमियान घणा वधु गैंगस्टर्सना नाम सामे आव्या। एनआईएनी आ दरोडानी कामगीरीमां अनेक जग्याए एक साथे दरोडा करवामां आवी रह्या छे। सूत्रोना जणाव्या प्रमाणे गैंगस्टर्सना अन्य देशोमां संपर्क होवाना मामले सामे आव्यो छे। भारतमां लॉरेंस बिश्नोई अने भवाना गैंगना नामे आतंक माटे घणुं फंडिंग छे। आ पहेला एनआईएनी टीम शंकास्पद आईएसआईएस शकમંદોને શોધવા માટે તામિલનાડુ અને કેરળમાં 60થી વધુ સ્થળ પર દરોડા પાડ્યા હતા। तो एक महत्वना समाचार मिली रहा छे तेना पर नजर करिए। महत्वना समाचार हालमां मिली रहा छे काश्मीर खीणमां 5 ठेकाणे एसआईएना दरोडा छे। नार्को टेरर फंडिंग मुद्दे तपासनी कामगीरी हाथ धरी छे। तो काश्मीर खीणमां पण 5 ठेकाणे दरोडानी कार्यवाही हाथ धराई छे। नार्को टेरर फंडिंग मुद्दे तपासनी कामगीरी हाथ धरवामां आवी छे। पीएम मोदी फरीवार गुजरातना मेहमान बनशे। तेओ मार्च महीनामां रमानारी भारत अने ऑस्ट्रेलिया वच्चेनी चौथी अने अंतिम टेस्ट मैच जोवा आवशे। आटलुं नहीं, सीरीजनी छेल्ली मैचना साक्षी बनवा ऑस्ट्रेलियाना पीएम एंथोनी अल्बेनीज पण भारत आववाना छे। बन्ने देशोना वडाप्रधान स्टेडियममां खेलाडीओने प्रोत्साहित करता जोवा मळशे, जेने लई पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाना वडाप्रधानने आमंत्रण आप्युं छे। तो गुजरात स्टेट एडिबल ऑइल एसोसिएशनना प्रमुख समीर शाहे मगफळीमां सट्टाखोरी रोकवा माटे पीएमने पत्र लख्यो। फ्यूचर ट्रेंड पर मगफळीनो वायदो शुरू थशे तो आगामी दिवसोमां खाद्य तेल इंडस्ट्रीज चलावी खूब ज मुश्किल थई जशे तेवो पत्रमां उल्लेख करायो छे। तेमज सट्टाना दूषणथी हाजर बजारो डामाडોળ થઈ શકે છે। तो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में आंतरिक जूथवाद ना कारणे पूर्व सिंडिकेट सभ्य डॉक्टर कलाधर आर्य पर हवे सस्पेन्शन जोखम वध्यु छे। तेमनो यूनिवर्सिटी एचआरडीसी डायरेक्टर पदेथी दूर करवामां आवी शके छे। आ पहेला डॉक्टर कलाधर ने यूनिवर्सिटी नौकरीना नियम भंगनी नोटिस इश्यू करवामां आवी हती। डॉक्टर कलाधर आर्यनो खुलासो यूनिवर्सिटीए ग्राह्य न राखता बीजी नोटिस मोकलवामां आवी। आर्य इन्चार्ज कुलपति गिरीश भीमाणी सामे खुल्लेआम आक्षेप करता शिस्त भंग अंतर्गत पगला भरवानी तैयारी કરવામાં આવી રહી છે। ભરૂચના જંબુસરના જુબેર પટેલની આફ્રિકામાં ગોળીમારી હત્યા કરવામાં આવી। આફ્રિકાના જોહાનિસબર્ગમાં મોબાઈલ શોપમાં લૂંટ કરવા આવેલા લૂંટારોએ યુવકની ગોળી મારીને હત્યા કરી। જુબેર પટેલ જંબુસરથી રોજગારી માટે આફ્રિકા ગયા હતા, પરંતુ તેમની હત્યાથી પરિવારમાં શોકનો માહોલ છે।